हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 जिसका रिजल्ट 20 जून 2019 को आ गया। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप दोस्तों हमारे बहुत से कमेंट किए कि आपका हमारा इतना रैंक है, हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमारा इतना नंबर है, हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमारा प्राइवेट हमें मिलेगा कि गवर्नमेंट मिलेगा कि एडेड मिलेगा। तो दोस्तों, मैं सभी को रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना दिया। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों ने जो कमेंट किया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और समझें, मैं पूरे डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। हाँ, तो चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, पहला कॉलेज ये आपको लिस्ट बताता हूँ, टॉप 20 कॉलेज जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के ये हैं। तो ये आपको पहला स्थान दोस्तों इसमें आता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ। तो दोस्तों, ये इसका पहला स्थान है कि आपके टॉप 20 कॉलेज दोस्तों लिस्ट है ये गवर्नमेंट कॉलेज की। तो इसमें पहला स्थान आपका दोस्तों आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, अभी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपको कैसे काउंसलिंग कराना है, जिससे आपको ज़्यादा रैंक होने पर भी आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा रैंक है तब भी आपको कॉलेज मिल सकता है। आप वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, ये जैसे आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे, आप पहले आपको कॉलेज बता देते हैं। दोस्तों, आप कॉलेज देख लीजिए, टॉप 20 कॉलेज ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दोस्तों दूसरे नंबर का कानपुर आता है, और उसी दूसरे नंबर पर दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ आता है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गाजियाबाद आता है। दोस्तों, गाजियाबाद तीसरे के चौथे स्थान पर आपका दोस्तों आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर। कौन सा दोस्तों? गोरखपुर आता है। पांचवें नंबर पे आपका दोस्तों आता है अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक मथुरा, ये पांचवें स्थान पर है दोस्तों आपका मथुरा। अगला है दोस्तों आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा, ये छठवें स्थान पर आता है आपका दो बांदा, ये आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा। और सातवें स्थान की बात करें दोस्तों, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ये आपका गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ, ये दोस्तों गर्ल्स का है, ये आपका टॉप 20 में सातवें स्थान पर आता है दोस्तों आपका ये कॉलेज। दोस्तों, ये आठवें स्थान पर कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बानलपुर, दोस्तों ये आपका गर्ल्स कॉलेज है, ये आपका आठवें नंबर पर आता है। अगला दोस्तों आपका ये इलेवन नंबर पर है आपका दोस्तों मैनपुरी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैनपुरी। बारहवें स्थान पर है दोस्तों आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद। तेरहवें पर है दोस्तों आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। चौदह पे है दोस्तों आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद। पंद्रहवें स्थान पर दोस्तों आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ये दोस्तों आपका गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर, गांधी नाम है दोस्तों, गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर। सोलहवें नंबर दोस्तों आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद, ये दोस्तों आपको कॉलेज पूरे लिस्ट में बता रहे हैं आपको, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है दोस्तों, तो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद है। सत्रहवें नंबर पर दोस्तों आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर। अठारहवें पे है दोस्तों आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर है। 19वें नंबर पे है दोस्तों आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा। 20वें पर दोस्तों आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली, और 21वें पे है दोस्तों मुरलीधरन गंजनंद आपका पॉलिटेक्निक हाथरस। तो दोस्तों, आपको ये टॉप 20 हमने कॉलेज बताया, जिसमें आपका पहला स्थान दोस्तों आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का है। दोस्तों, थोड़ा हम आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ की बात बताते हैं, जैसे आपको कितने रैंक पे कॉलेज ये मिल सकता है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ये पहला स्थान है, तो ये पहले रैंक के लिए सभी अप्लाई करते हैं कि पहला स्थान हमें मिल जाए, पहला कॉलेज हमें पहला रैंक का मिल जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको रैंक कम से कम, इसकी रैंक आपको 500 के अंदर ही होनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपके रैंक 500 के अंदर होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल खास तो हम दोस्तों इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच की बात करें, तो आपको 500 के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल भी आपको मिल सकता है, बट प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल आपको 500 प्लस होने पर भी मिल सकता है, बट इलेक्ट्रिकल और सिविल की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए आपको 500 के अंदर ही रैंक होना ही चाहिए, कम हो सकता है दोस्तों, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए, आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के लिए दोस्तों जिसकी रैंक 500 के अंदर है, उसको सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल मिल सकता है। दोस्तों, मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल 500 प्लस भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए 500 के अंदर ही रैंक होना चाहिए, तभी आपको कॉलेज मिल सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको दोस्तों ये भी हो सकता है कि वो क्यों होता है कि ज़्यादा रैंक वालों को भी मिल जाता है, उसका रीज़न ये होता है दोस्तों, कभी कभी नहीं लेते हैं, चूँकि कुछ कॉलेज जो एडेड कॉलेज भी हैं, तो उन वो भी आपके अच्छे कॉलेज हैं, इसलिए दोस्तों उसको अप्लाई करने के लिए, जैसे आपका हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ होता है दोस्तों, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ होता है, उसको भी सभी लेना चाहते हैं, तो इसलिए इस कॉलेज को छोड़कर उसको लेते हैं, तो जिससे जिसकी ज़्यादा रैंक है उसको भी ये कॉलेज मिल जाता है, यही रीज़न होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम इसकी बात करें, हमने आपको बताया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का अगर 500 के अंदर रैंक है, तो आपको
इलेक्ट्रिकल और सिविल मिल सकता है, सिविल मिल जाएगा। अगर इससे प्लस है तो आपको इसके अंदर तो आपको ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन मिल ही जाएगा, प्लस होने पर भी इलेक्ट्रिकल आपको मैकेनिकल प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल मिल सकता है, बट सिविल इलेक्ट्रिकल कभी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बात करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर की बात करें और लखनऊ की बात करें। अगर दोस्तों आपको इसकी बात करें तो अगर 1000 के अंदर इसकी रैंक है दोस्तों, 1000 के अंदर रैंक है तो आपको कानपुर और लखनऊ के जो जीबी पंत पॉलिटेक्निक है 1000 के अंदर रैंक वालों को मिल जाएगी दोस्तों, 1000 के अंदर के रैंक को मिल सकता है। इसका रीज़न ये दोस्तों, यहाँ पर इसकी तुलना में ज़्यादा सीटें होती हैं दोस्तों, यहाँ की तुलना में ज़्यादा सीटें होती है दोस्तों। यह प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल क्यों ज़्यादा मिलता है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर 120 सीटें होती हैं और इनकी 60 सीटें होती हैं, तो यहाँ 120 सीटें होती है इसलिए इसका मिल जाता है दोस्तों। और अगर दोस्तों इसकी बात करें गाजियाबाद और गोरखपुर की बात करें तो दोस्तों यहाँ अगर आपको 1500 के अंदर रैंक है तो आपको यहाँ इसका गवर्नमेंट गाजियाबाद और गोरखपुर आपको मिल जाएगा। इसी तरह आपको मथुरा है दोस्तों, अगर 1500 के अंदर है आपका गाजियाबाद, गोरखपुर और मथुरा, ये सब कॉलेज मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये समझने की बात है कि आपको 1500 के अंदर मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये भी होता है कि उससे भी ज़्यादा रैंक वालों को कभी कभी मिल जाता है, उसका रीज़न ये होता है दोस्तों, जब आप काउंसलिंग कराते हैं फर्स्ट राउंड में, काउंसलिंग जो कराते हैं जिनकी कम रैंक होती है तो वो कॉलेज वो नहीं लेते हैं, सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराते हैं जिससे कम रैंक वाले, जिसकी ज़्यादा रैंक होती है उनको वो कॉलेज मिल जाता है। मान लो दोस्तों ये गाजियाबाद किसी कोई स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में कराया तो उसने ये कॉलेज नहीं लिया, तो इससे ज़्यादा जिसकी रैंक है उसने जब कराया तो उसको ये कॉलेज मिल जाएगा, उसको ये कॉलेज मिलेगा। और जो आगे वाला है वो और भी अच्छा कॉलेज मिलने के लिए अगर आगे लखनऊ को छोड़ता है तो उसको लखनऊ दिया जाएगा, और जो नीचे वाला है उसको गाजियाबाद दिया जाएगा। यही रीज़न होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि आप फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक काउंसलिंग कराएँ, जिससे आपको ज़्यादा रैंक होने पर भी आपको स्टूडेंट्स को होता है कि दोस्तों वो ज़रूरी नहीं कि सेकंड राउंड या फोर्थ राउंड तक ढेर लोग कॉलेज नहीं लेते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फोर्थ राउंड में काउंसलिंग कराएं, और आप ये ना घबराएं कि हमारा ज़्यादा रैंक है हमको कॉलेज नहीं मिल पाएगा दोस्तों। अगर आपको फोर्थ राउंड तक मान लीजिए कुछ देर के लिए नहीं मिलता है तो आप स्पार्ट काउंसलिंग भी एक बार ज़रूर कराएं, आपको कॉलेज मिल सकता है। तो कोशिश दोस्तों करें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप लास्ट तक ज़रूर आप काउंसलिंग कराएं और स्पार्ट काउंसलिंग भी कराएं। और दोस्तों और भी वीडियो देखने के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि आपको क्या गवर्नमेंट कॉलेज में आपको काउंसलिंग के बाद आपको हो जाएगा तो कॉलेज में जाने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, आपको क्या फीस वहां लगती है, उसके लिए दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख लीजिए और सभी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक्स।